हेलो स्टूडेंट, मैं विकास पवार सर। आज हम तुम्हें बताएंगे कि बाइसेक्सुअल, सेल पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, मोनोसियस, डायोसियस क्या होते हैं। जब तक तुम्हें इन पांचों वर्ड या शब्दों का पता नहीं लगने का, तो तुम एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग को नहीं अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले चलते हैं बाइसेक्सुअल पर क्या होता है। बाइसेक्सुअल को हिंदी में द्विलिंगी पुष्प या द्विलिंगी फ्लावर के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं कि द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। द्विलिंगी का यहाँ अर्थ हुआ दो लिंग, अर्थात नर या मादा, मेल या फीमेल। किसी फ्लावर या किसी पुष्प की वह कंडीशन जिसमें मेल वह फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित या प्रेजेंट होते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प कौन से हो सकते हैं? जैसे लेग्यूमिनेसी, जितनी भी दाल वाली फसलें हैं, गेहूं हुआ, दाल वाली में जैसे अनाज वाली फसलों में गेहूं हुआ, धान हुआ, जई हुई, इनमें भी एक ही पुष्प के अंदर दोनों लिंग मिलते हैं। अतः जहाँ दोनों लिंग किसी फ्लावर में उपस्थित होते हैं, वही स्वपरागण होता है। अब आप कहोगे कि स्वपरागण क्या होता है, तो चलते हैं स्वपरागण होता क्या है। स्वपरागण में क्या होता है, जब एक ही पुष्प के अंदर दोनों लिंग मेल व फीमेल पार्ट उपस्थित होते हैं, तो उसके मेल पार्ट के परागकण। अब तुम कहोगे कि परागकण क्या होते हैं। परागकण को इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं, जो किसी फ्लावर के स्पर्म या शुक्राणु कहे जाते हैं। वे परागकण उसी पुष्प के, मान लो कि एक ही फूल में दोनों चीज है, मेल वे फीमेल, उसी पुष्प के मादा भाग पर पहुंचते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यह कंडीशन सभी दाल वाली फसलों में, वह अनाज वाली फसलों जैसे धान, गेहूं, जई आदि में पाई जाती है। अब है क्रॉस पोलिनेशन, जिसे परपरागण के नाम से जाना जाता है। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, एक पुष्प के परागकण, अभी बताया था परागकण किसी पुष्प के स्पर्म या शुक्राणु कहे जाते हैं, या मेल पार्ट कहा जाता है, कि परागकण दूसरे पौधे या प्लांट के फ्लावर के मादा भाग हो या फीमेल, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उस पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब तुम कहोगे कि परपरागण की क्रिया किन फसलों या किन पौधों में होती है, सभी कुकरबिटेसी फसलें। अब कुकरबिटेसी जितनी भी बेल वाली फसलें जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूजा आदि में परपरागण की क्रिया पाई जाती है। अब आ जाओ मोनोसियस क्या होता है। मोनोसियस ध्यान से देखो, मोनोसियस होता क्या है। जब किसी प्लांट या पौधे पर मेल व फीमेल पार्ट, मतलब नर या है मादा पार्ट, दोनों उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, बट लेकिन वे अलग अलग होते हैं एक ही पौधे पर, लेकिन अलग अलग होते हैं, उसे मोनोसियस कहते हैं। मोनोसियस की कंडीशन किन पौधों में मिलती है, सभी कुकरबिटेसी फसलें। तुम्हें देखा कुकरबिटेसी जितनी बेल वाली फसलें हैं, उनमें जैसे खरबूजा, खीरा, ककड़ी, वे मोनोसियस कहे जाते हैं, क्योंकि एक ही बेल पर नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। इससे अलग आप मक्का, अरंड, आम, नारियल में भी यह कंडीशन पाई जाती है, इनमें भी यह अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही प्लांट या पौधे पर उपस्थित होते हैं। आप आ जाओ डायोसियस। डायोसियस को हिंदी में कहते हैं एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब सिर्फ एक लिंग, या तो नर है या मादा है, या मेल है या फीमेल है, या किसी प्लांट या पौधे की वह कंडीशन होती है जिस पर एक ही लिंग, या तो मेल पार्ट मिलेगा या फीमेल पार्ट मिलेगा, दो उपस्थित होता है, उसे डायोसियस कहते हैं। डायोसियस की क्रिया में भी परपरागण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसमें मेल पार्ट दूसरे पौधे के फ्लावर पर पहुंचते हैं। यह कंडीशन किस में मिलती है, जैसे खजूर, पालक, ताड़, सैतूत, पिस्ता, इनमें एक ही लिंग अर्थात नर मिलेगा या मादा मिलेगा।
उसे कहते हैं डाउसियस। तो अतः आप बाइसेक्सुअल, सेल पोलिनेशन, क्रो पोलिनेशन, मोनोसियस या डाइसियस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।